अच्छा अगर तुम अपने आप को नहीं ना रोक सकते स्पेस दबाने से, तुम्हें काम को अपना ही बटन ही उतार दो, इसका और कोई चारा ही नहीं, इसको ऐसे पकड़ो और टूटना देना बस, बिल्कुल ईजी ऐसे करो और तुम लोग स्पेस का बटन जितना मर्जी दबाओ कोई काम नहीं करेगा, ये तुम्हारे पे है, अगर तुम लोगों को जरूरत पड़ेगी वो भी तुम्हारा है, इसलिए कोशिश यही करो इसको लगाना कैसे हो। कट कर देना प्लीज इसे, पाई लग जा तो इसको बाद में करते हैं, पूरा कोशिश किया करो जो मेरे वीडियो में समझाया उसको करने की। यार तुम में से काफी लोग फ्री फायर के अंदर प्रो बनना चाहते हो मेरी तरह। क्या बोला तूने? फ्री फायर के अंदर प्रो बनना चाहते हो मेरी तरह, चल जाके इलाज करो अपना आ जाओ। और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग की दो गलतियां शेयर करने वाला हूँ फ्री फायर के अंदर, जो तुम लोग रेगुलरली बहुत ज्यादा करते हो और उनके वजह से हर दफा तुम लोग मार खा जाते हो और अपने दोस्तों से गालियां भी मैं खा जाता हूँ, वैसे तुम शायद ना खाते हो। तो उस गलतियों को अगर तुम लोग इम्प्रूव कर लो तो तुम फ्री फायर के अंदर प्रो प्लेयर बन सकते हो। और एक जो टिप है या एक बात मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो कि वीडियो में एंड पे शेयर करूँगा, कड़वी बात है थोड़ी, तुम लोग डिसहार्ट हो सकते हो बट यार सच है, तुम लोगों से शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो एक दो जो मैं गलतियों की पहले बात करूँगा, इन दो गलतियों को पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ नहीं जाना, हमने कम्युनिटी मैंने छोड़ दिया यार। इन दो गलतियों को जो पाकिस्तानी अरे डंडा दे के जाते हैं, पाकिस्तान जाना ही नहीं हमने, मेरे जैसे कुछ प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो अगर तो मेरे जैसे प्लेयर्स यानी ये तुम लोग जो मुझे देख रहे हो मेरे सब्सक्राइबर्स, अगर तुम लोग इन दो गलतियों को इम्प्रूव कर लो तो शायद तुम लोग प्रो प्लेयर बन सकते हो, जो कि मुझसे तो हो नहीं, शायद तुम लोग ही कर लो। गलती कुछ यूँ है कि पहली गलती जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है, बट हम लोग पहले दूसरी गलती के बारे में बात करेंगे ताकि तुम लोग भाग ना जाओ पहली गलती को सुन के। तो जो दूसरी गलती है वो ये है कि तुम लोगों का वाईफाई या जो भी इंटरनेट तुम लोग यूज़ कर रहे हो वो तुम लोगों का जो फास्ट नहीं है। अब मैं जो है ये मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा एक दोस्त है वो 14 Mbps की स्पीड के अंदर खेलता है वाईफाई के ऊपर और मैं 2 Mbps की स्पीड के ऊपर, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यार मैं शॉर्ट मारता हूँ मेरा लगता नहीं और उसका पहले लग जाता है। तो अब ये कड़वाई बात ही थोड़ी सी कड़वी है बट इंटरनेट मैटर करता है फ्री फायर के अंदर, ये पे टू विन गेम है बट इसमें इंटरनेट भी मैटर करता है, ऑनलाइन हर गेम में इंटरनेट मैटर करता है क्योंकि इसमें सर्वर्स वगैरह से आप जो डिवाइस से कनेक्ट होते हो तो आप जो फॉर फास्ट डाटा चाहिए, जितनी स्पीड में जो आपका इंटरनेट चल उतनी स्पीड में डाटा वगैरह ट्रांसफ़र होगा। अब ये बात तुमको पहले पढ़े है या नहीं पढ़े तो ये बस इतने बता बात है कि इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट फास्ट है तो दूसरी गलती से मैं तो पहली नंबर पे जो थी काफ़ी बड़ी गलती वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा करते हो, मैं भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और इसको प्रैक्टिस से तुम लोग इम्प्रूव कर सकते हो और तुम लोग प्रो प्लेयर बन सकते हो यार मेरी तरह। मैं तो प्रो नहीं हूँ वैसे किसी और की तरह, शाबाश। मैंने ये जो गलती किससे सीखी है, कैसे मैंने पकड़ी कि मैं ये गलती करता हूँ, और एक यूट्यूबर है एपल पार्टो, काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर ब्राज़ील प्लेयर है, तो इसमें मैंने देखा यार इनकी मूवमेंट बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट ये लोग करते नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं और उसमें हम लोग जो मार या गालियाँ दोनों ही खा जाते हैं अपने दोस्तों से, तो मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं मैटर करती, तुम लोगों की मूवमेंट तब मैटर करती जब तुम कस्टम खेल रहे हो 1v1 हो रहा है। अब जो मैंने देखा है काफ़ी जो ये ब्राज़ील प्लेयर ऐसा है इनकी मूवमेंट कम होती है बट ये लोग हेड बहुत ज़्यादा अच्छे लेते हैं, इनके रेड नंबर्स बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, जब आप मूवमेंट बहुत ज़्यादा रखते हो यानी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रखते हो तो आपका एम जो है इतनी ईजीली जो है एनिमी पे नहीं जाता। इसमें मैंने पहले वीडियो बनाई, ऊपर लिंक आ रहा है कि अपनी सेंसिटिविटी कैसी रखनी चाहिए उसको जो देख लेना। तो तुम लोग क्या करोगे, अपनी सेंसिटिविटी को इस तरह रखो जिस तरह मैंने बताया इस वीडियो के अंदर। अब सीन कुछ यूँ है कि जब तुम लोग सेंसिटिविटी को कम रखते हो, वीडियो को अभी ना जाकर देखना पहले इसको कंप्लीट देखो, कम रखते हो तो ऐसा होता है कि तुम्हारा एम जो इसीलिए जो एनिमी पे चला जाता है, होता कुछ है इस मूवमेंट के अंदर गलती तुम लोग बेसिकली करते कि तुम लोग एक्स्ट्रा जंप्स करते हो जिसकी जरूरत है ही नहीं, जंप पे जंप करे और मैं भी ये गलती करता हूँ, जब तुम जंप करते हो तुम लोग हवा के अंदर हो, अब ये बात तुम लोग मेरे ध्यान से समझना, और सामने वाला एनिमी जो बिल्कुल ज़मीन पे है तो हवा के अंदर एक ऐसी हमें आदत लगी कि हम लोग फायर कम करते हैं या कर भी दें तो वो फायर जो अटैक्ट एनिमी पे नहीं जाता वो इधर उधर चला जाता है, क्योंकि अंदर हवा के अंदर एम जो है एनिमी पे लेके जाना थोड़ा मुश्किल होता है और अगर हम लो एंड पीसी यूज़ करें तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो फ्रेम कटते होते हैं। तो अब इसमें एनिमी जो नीचे खड़ा हुआ है समझो, फर्ज करो तुम लोग हवा के अंदर तुम लोग एनिमी को मार भी देते हो एक शॉट, बॉडी मार देते हो, हेड नहीं लग पाता, तो एनिमी तो नीचे है, उसके बाद
एडवांटेज है, तुम हवा के अंदर हो, तुम लोग इजीली हेड मार सकते हो क्योंकि तुम हवा के अंदर तुम्हारा हेड जो है वो एक ही जगह पे है, तुम लोग मूव नहीं करे जिस तरफ भी, तुम लोग उसने इजीली तुम्हें हेड मारना है क्योंकि उसको पता है तुम लोग इधर से इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो। हवा के अंदर तुम लोग जॉयस्टिक को इधर राइट लेफ्ट तो नहीं कह सकते, तुम एक ही साइड पर जंप करते हो राइट या लेफ्ट, उसको पता है अगर राइट लेफ्ट जंप किया तो मैं राइट तरफ करूँगा तो ईजिली जो फायर बटन पर क्लिक करके वो तुम्हें हेड मार। तो ये गलती को इम्प्रूव कर लो, तुम लोग जंप ज़्यादा ना करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप जो तुम लोग करते हो ना उसको तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग बस वो जंप करो जहाँ पर ज़रूरत है और तब जंप करो जब तुमको अटैक कर रहे हो या तुम लोग ग्लू आर्स लगा रहे हो स्पीड में, तुम लोग इधर उधर जाना है बस तब। अब ये बात तुम लोग समझ आ गई है ना मेरी, तो तुम लोग जो हो इस चीज़ को इम्प्रूव करके बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हो। और एंड पे एक बहुत ज़्यादा कड़वी बात जो कि तुम लोग को डिसहार्ट कर देगी और मैं भी जो इस चीज़ में शायद हूँ अभी आगे जाके शायद मैं इसमें ना रहूँ, कि लो एंड पीसी, एक लो एंड पीसी प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल काफ़ी प्लेयर्स हैं जो लो एंड पीसी पे भी अच्छी गेम कर रहे हैं बट इतनी अच्छी गेम नहीं कर पाते वो जितनी जो इतने अच्छे जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं यूट्यूबर्स वगैरह कर लेते हैं। तो एक लो एंड पीसी पे गेम खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें जो FPS बहुत कम मिलते हैं, मुझे 60 FPS या 90 FPS बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर से मैं जो एक वीडियो मैंने बनाई थी कि गेम लूप में जो 90 FPS मिल रहे हैं और उसमें रियली मिल रहे थे बट अब फिर से एक प्रॉब्लम मेरे कंप्यूटर में, शायद मेरे कंप्यूटर में आई है, तो मुझे फिर से 60 FPS मिल रहे हैं और ग्राफिक कार्ड इतना अच्छा नहीं है, प्रोसेसर थोड़ा सा हल्का है, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा गेम खेलने का। और जिन भी लो एंड पीसी में गेम खेलते हैं जो भी मेरे दोस्त वगैरह, तो यार तुम लोग लो एंड पीसी में तब तक नहीं प्रो हो सकते जब तक जो पीसी को थोड़ा इंप्रूव ना कर लो, थोड़ा अच्छा ना बना लो। अब ये एक बात कड़वी है, ये तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे तो क्योंकि उनके पास अच्छा पीसी, उनको इस चीज़ का। एक और बात भी जब तुम लोग पहले पॉइंट शेयर किया मैंने तुम लोग को वाईफाई का, वो भी तुम लोग को यूट्यूबर्स नहीं बताएंगे क्योंकि उनके पास अच्छा वाईफाई है। अब मैंने चीज़ एक्सपीरियंस किया था, मैं तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ, तो है कि आगे चल के हम लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हम लोग सारे मिलकर पीसी को जो अच्छा बनवा लेंगे, वाईफाई भी हम लोग अच्छा कर लेंगे। तो यार ये छोटी सी वीडियो थी, मैं अगर उनको आखिर में बता दूं कि ये जो फ्री फायर पे टू विन गेम है, अब ये जो बात सच है, अगर तुम लोग गन स्किन्स खरीदते हो, पहले तो ऐसा था कि अलोक की सारी चीज़ें जो पे टू पे करनी पड़ती थी हमें, इसके लिए अलोक करेक्टर वगैरह हमारे जो एक्स्ट्रा जो कुछ स्किल्स मिल जाती थी जो कि हमें जो गेम वाले पैसों की देते थे, अब उन्होंने वो शायद फेयर गेम करने के लिए वो चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी करेक्टर्स वगैरह, बट अभी भी गन स्किन्स हैं तो उनसे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स वगैरह कुछ एक्यूरेसी वगैरह मिल जाती है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। बट अगर तुम लोग बहुत अच्छी गेम है, पीसी अच्छा है, तो तुम्हें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तो तुम अपना पीसी अच्छा कर लो तो तुम गेम अपनी अच्छी कर सकते हो। तो यार ये वीडियो से मैं तुम लोग को समझा दूँ कुछ बातें ताकि तुम लोगों के जो दिमाग खुल जाए मेरी तरह, वैसे तो खुले हुए हैं तो मैंने कहा थोड़े से और खोल दूँ। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद है और ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ ना यार मेरी वीडियो से तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है यार, 1K करवा दो यार प्लीज़। और वीडियो को देखने का यहाँ तक बहुत शुक्रिया, लाइक कर दिया होगा तुम लोग, बहुत ज़्यादा थैंक्स, तो बाय बाय।